बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बागेश्वर धाम की जय। हरिओम। अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून जो है महाराष्ट्र का, वो क्या है और किस तरीके से 100% हिंदू सनातनी धर्म और श्रद्धा आस्था पर कुठारा घात है, ये बताने आया हूं। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि 4/6/2014 को जो 2014 को जो केस की शुरुआत हुई थी संत शिरोमणि आसाराम बापू का, उसका उसी केस की सुनवाई 30 जनवरी 2023 को है अगली सुनवाई। उसमें लिखा हुआ है कि ये फाइनल आर्गूमेंट, एक्चुअली वो हाईकोर्ट ने भी कह दिया हुआ है कि 31 जनवरी तक इसको सुन के पूरा करो। अब तो दो लोग कहते हैं, एक ईश्वर या दूसरे संत शिरोमणि आसाराम बापू, को पता है कि क्या होना है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले 24 जनवरी को एक सुप्रीम कोर्ट में भी वो मामला है जो DCP वाला मामला था संत शिरोमणि आसाराम बापू के साथ, उसका केस चल रहा है, उस पर भी सुनवाई है, उस पर बात करेंगे। अब आते हैं मुद्दे पे। ये जो बागेश्वर धाम के महाराज हैं उन पे तो पूरा आप सब जानते हैं कि किस तरीके से उन पे दोषारोपण किया गया, उनकी गिरफ्तारी की तैयारियां हुई, FIR लिखाया गया इसी कानून के तहत, और किस तरीके से वो जवाब दे रहे हैं ठोक ठोक के। मुद्दा की बात ये है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दिन जानकी माता, तो जानकी माने सीता मैया ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां दी थी, 9 निधियां दी थी। ये बस सिर्फ मैं नाम पढ़ लेता हूं कि अष्ट सिद्धियां क्या थी, 9 निधियां क्या हैं। अष्ट सिद्धियां जो हनुमान जी को दी माता सीता ने, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ये सिद्धियां क्या है, इन सिद्धियों में कौन सी सिद्धि हासिल है बागेश्वर धाम महाराज को, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। 9 निधियां हैं, पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, शंख निधि, खर्ब या मिश्र निधि। ठीक, अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा यह है कि ये जो है अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून बना कैसे उसका, अच्छा आप पूरा देखना इसको, पूरा देखना, फिर लाइक सब्सक्राइब करना इस वीडियो को, पूरा इसलिए देखना कि पूज्य संत शिरोमणि आसाराम बापू ने जो कुछ कहा है अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून के बारे में, हम वो भी आपको सुनाएंगे। और राजीव दीक्षित जी जो उन्होंने बहुत करीब से देखा है और वो जो बता रहे हैं, हम वो भी उनकी आवाज़ भी आपको सुनाएंगे, फिर पता चलेगा कि हिंदू सनातनियों के विरोध में खत्म करने के लिए किस तरह की साजिशें होती रही हैं। देखिए, एक है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति बनाया 1989 में, दाभोलकर जी ने बनाया था। ये महाराष्ट्र में इसकी 200 से ज़्यादा शाखाएँ खोली, और इसके पैसे कहाँ से आते थे भाई, उसके लिए FCRA भी बनाया। FCRA फॉरेन फंडिंग रेगुलेशन एक्ट है, हाँ। तो अरे अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून देश में बनाते हैं, फंडिंग विदेश से होती है, उस पर आगे बात करेंगे। अच्छा, ये जो है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, उसका जो टारगेट था वो सिर्फ हिंदू ही थे, ईसाई और पीर बाबा नहीं थे, उनके क्रियाकलापों पर इनका कोई ध्यान नहीं था। वो जब मैं आपको सुनाऊंगा राजीव दीक्षित की आवाज़ तो सब क्लियर हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। इन लोगों ने कभी अंधश्रद्धा के लिए कोई जागरूकता अभियान नहीं चलाया, कानून का सहारा लिया, और हाँ कई किताबें लिखी, कई सेमिनार्स किए, कई मीटिंगें की, क्योंकि वो तो करना पड़ेगा ना, फंडिंग जो होती है उसको तो जस्टिफाई करना पड़ेगा। सब कुछ हिंदुओं के विरोध में चल रहा था। अभी अभी जो FIR किए गए, उसमें जो FIR किया गया उसमें ये जो धूर्त श्याम मानव है उसने कहा कि 2 कानून के तहत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को गिरफ्तार किया जाए। तो पहला कानून था ड्रग्स एंड मैजिक रिमेडी
ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 बहुत पुराना कानून है कि आपत्तिजनक दवाइयों के विज्ञापन के ऊपर। अब ये कानून तो बना दिया, अब जाहिर है कि बना दिया तो जो जितने सड़क के किनारे आप देखते हैं जड़ी बूटी बेचने वाले लाउडस्पीकर लगाए रखते हैं, अगर ये लोग कहीं कहें तो ये लोग जाकर गिरफ्तार करा दें उसे। दूसरा कानून था है कि महाराष्ट्र मानव बलिदान और अन्य अमानवीय बुराई और अघोरी प्रथा वो काला जादू रोकथाम और उन्मूलन एक्ट 2013। ठीक, महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड अदर ह्यूमन इविल एंड अघोरी प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2013। इन दो कानूनों के तहत इनको गिरफ्तार करो। बागेश्वर धाम महाराज को ये FIR लिखाया था धूर्त श्याम मानव ने और हंगामा खड़ा कर दिया। और जाहिर है जब भी कुछ हिंदू सनातनी के विरोध में कुछ होता है तो लोगों को एक किक मिलता है कि चलो कुछ मिला, अब मीडिया उसके पीछे पड़ जाती है। ये तो वो 26 साल का साधक अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता का सेवक। देखिए 2013 में पहला ड्राफ्ट अप्रूव हुआ, 2013 में उस समय मुख्यमंत्री था थे नहीं बोलूंगा सुशील कुमार शिंदे, जो बाद में गृह मंत्री बने और हिंदू आतंक को स्टैब्लिश करने के लिए, स्थापित करने के लिए न जाने क्या क्या किया। हिंदू आतंक को लाने वाले में से एक बहुत स्तंभ था वो कांग्रेसी। इस बिल में अंधविश्वास, काला जादू, मंत्र, जादू टोना को डिफाइन ही नहीं किया गया था। धार्मिक स्वतंत्रता का ये उल्लंघन था, दैवीय शक्ति को ये कानून मानता ही नहीं था। अगर आप अपने घर में हवन कर रहे हैं, धुआं लग रहा है तो पड़ोसी कोई शिकायत कर सकता था, इस कानून के तहत आप गिरफ्तार हो सकते थे। पुलिस शक के आधार पर कार्रवाई करने को स्वतंत्र थी। सबसे पहले ये 2004 में बिल गया, नहीं पास हुआ, 2005 में गया, नहीं पास हुआ, 2008 में जब नहीं 2008 तक जब नहीं पास हुआ तो इन लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया क्योंकि इनकी फंडिंग तो चल रही थी। ठीक, अच्छा 2013 में इस बिल को कानून बनाने के प्रयासरत दाभोलकर साहब की हत्या हो गई, उनकी हत्या हो गई तो उनका प्रदर्शन उग्र हो गया और यह कानून फिर पास कर दिया गया। अब दाभोलकर जी की हत्या, घूमने निकले थे, किसी ने गोली मार दी, वो भी रहस्य था, CBI तक आ गई जांच करने के लिए, एक को पकड़ा भी और आज तक। ठीक, अब आपको सुनाता हूं, एक आवाज सुनिए, एक ऑडियो सुनिए, हम सब साथ सुनते हैं कि राजीव दीक्षित साहब ने ये जो कानून बनाने वाले थे दाभोलकर साहब, उनका माइंडसेट क्या था, पहले सुनते हैं वो चाहते क्या थे, उनकी फंडिंग कहाँ से होती थी, वो सब बताएंगे जितनी जल्दी होगी। शॉर्ट में मैंने एडिट करके सिर्फ वही बातें ली हैं जो कम से कम ड्यूरेशन में हमारा आप तक बातें पहुंच जाए। और ये संस्था मेरी जानकारी में पिछले 15-20 वर्षों से काम करती है। इस संस्था के प्रमुख हैं जिनका नाम है डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, और डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के साथ बहुत बार मुझे संवाद करने का मौका मिला है। जब मैंने उनसे संवाद किया तो मैंने उनसे पूछा कि ये अंधश्रद्धा का सीमा कहाँ है, तो वो कहते हैं कि जो भी काम वैज्ञानिक है, ऐसा वो बोलते, जो भी कार्य वैज्ञानिक है वो श्रद्धा है और जो अवैज्ञानिक है वो अंधश्रद्धा है। इसका मतलब ये हुआ कि यूरोप और अमेरिका में जो चीज वैज्ञानिक है वही भारत में वैज्ञानिक है, और यूरोप और अमेरिका में जो चीज अवैज्ञानिक है वो भारत में अवैज्ञानिक है, यही मतलब है। तो दाभोलकर जी ने कहा हाँ यही मतलब है। फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर विचार अमेरिका से आपने ले लिया वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक होने का, तो पैसा कहां से लाएंगे, भारत में तो कोई आपको पैसा देगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमने FCRA ले रखा है, FCRA एक कानून है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट करके,
इसके तहत हमने एक सर्टिफिकेट ले रखा है, उस सर्टिफिकेट के आधार पर हमको अमेरिका से काफी पैसा आ जाता है। मेरे को जो बोलना था प्रेम से बोल दिया, अब उनकी मर्जी और फिर पब्लिक की और भगवान की मर्जी, देख लो फिर अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून बनाओ, फिर देख लो क्या होता है। ये भी मैं बोलता हूं प्रार्थना करके, मैं कोई आपका विरोधी नहीं हूं, मैं बाहें नहीं चढ़ाऊंगा, लेकिन श्रद्धा के साथ खिलवाड़ मत करो, श्रद्धा को अंधश्रद्धा बोलने का पाप मत करो। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फल प्रदा, आप श्रद्धा बोलते इस्लाम उसको यकीन बोलता है, अंग्रेज को फेथ बोलते, उसके बिना जीवन जिएंगे नहीं। ये अंधश्रद्धा, ये श्रद्धा, कौन सी अंधश्रद्धा और कौन सी श्रद्धा। आज जो साबित कर रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम महाराज, बहुत पहले बोल चुके हैं, साबित कर चुके हैं। संत शिरोमणि आसाराम बाबा करेंगे, अब उस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो बोलिए हनुमान की जय, थिया बर राम चंद्र की जय, हरिओम।